हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू पार्ट नंबर 17 प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य दुबे। इन दिस लेसन वी विल लुक फॉरवर्ड टू सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर्टेनिंग टू फीफा 2018 वर्ल्ड कप। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 इनमें से किस कंट्री ने जीता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज फ्रांस। फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से बीट किया। ये भी आप याद रखिएगा, 4-2 से बीट किया फ्रांस ने क्रोएशिया को। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की जो इस इवेंट से एसोसिएटेड है और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें मालूम होना चाहिए। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशनल इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन। इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जो 2018 का हुआ था, उसकी जो होस्टिंग नेशन थी, जो मतलब आयोजित जिस नेशन ने किया था, वो था रशिया। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये आप जानते हैं कि फ्रांस जीता, क्रोएशिया हारा, तो रैंकिंग भी आप याद रखिएगा। फर्स्ट रैंक गोज टू फ्रांस, मतलब फ्रांस ये टूर्नामेंट जीता। सेकेंड आया क्रोशिया, थर्ड आया बेल्जियम और फोर्थ आया इंग्लैंड। अब हम इसका एक मैप भी देख लेते हैं ताकि हमें इसकी कैपिटल और इससे रिलेटेड हमें ज्योग्राफिकल पोजीशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा क्रोशिया। क्रोशिया की कैपिटल है जागरेब। याद रखिएगा, जागरेब इज द कैपिटल ऑफ क्रोशिया। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, तो आप देख सकते हैं बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल। ओके, और बाकी आप यूके जानते हैं, लंदन है। और फ्रांस की कैपिटल भी आप जानते होंगे, पेरिस है। इंपॉर्टेंट है, क्रोएशिया की कैपिटल है जागरेब। लेट्स लुक इनटू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप 2018 था, वो कौन से नंबर का फीफा वर्ल्ड कप था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 21st। इस बार का जो वर्ल्ड कप रहा फुटबॉल का, वो 21st वर्ल्ड कप रहा जिसको होस्ट किया था रशिया ने। अगर बात की जाए पुराने फीफा वर्ल्ड कप की, तो वो था 20th फीफा वर्ल्ड कप, जो हुआ था 2014 को और होस्ट किया था जिसको ब्राजील ने। और 20th फीफा वर्ल्ड कप जीता किसने था, ये भी आप याद रखिएगा, ये जीता था जर्मनी ने। अगर बात की जाए इस वाले वर्ल्ड कप की, तो ये था 21st, और जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप रहेगा, दैट इज 22nd फीफा वर्ल्ड कप, वो होस्ट करेगा कतर। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कतर विल होस्ट द नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022। लेट्स लुक इनटू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 का फाइनल इनमें से किस स्टेडियम में खेला गया। ये आप देख सकते हैं स्टेडियम की फोटो है। ओके, और ये खेला गया था लुझ्निकी स्टेडियम। याद रखिएगा, लुझ्निकी स्टेडियम ये कहां पे है, ये बिलोंग करता है मॉस्को को। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। लेट्स लुक इनटू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 का ऑफिशियल मैस्कॉट क्या रहा। ओके, तो ये है फीफा वर्ल्ड कप 2018 का ऑफिशियल मैस्कॉट, और इसको कहते हैं जाबी वाका। याद रखिएगा, जाबी वाका इज द ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2018। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि ये है क्या, तो ये एक वोल्फ है। ओके, तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जाबी वाका इनमें से क्या है, तो वो एक वोल्फ है। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, तो ये भीन भीन, अतुंग और ईका, ये जो है ये ऑफिशियल मैस्कॉट है एशियन गेम 2018 के। ओके, एशियन गेम 2018 के ऑफिशियल मैस्कॉट हैं भीन भीन, अतुंग और ईका। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के इतिहास में पहला प्लेयर कौन सा हुआ है जिसने अपनी ही टीम के खिलाफ गोल कर दिया। मींस, हु इज द फर्स्ट प्लेयर टू नेट एन ओन गोल इन अ फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मारियो मंदज़ुकिक। आई होप मैं ठीक प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं इसका। मारियो मंदज़ुकिक बिलोंग करते हैं क्रोएशिया को। ओके, जो ये वर्ल्ड कप हारा है, तो क्रोएशिया को बिलोंग करते हैं मारियो मंदज़ुकिक। इन्होंने अपनी टीम के खिलाफ ही एक गोल कर दिया था, इसलिए ये काफी ज्यादा फेमस है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में। अगर बात की जाए ऑप्शन डी की, तो आप ये देखते हैं एंटोइन ग्रीजमैन। एंटोइन ग्रीजमैन कौन है, ये भी आपको याद रखना है। ये मैन ऑफ द मैच रहे हैं। ओके, मैन ऑफ द मैच रहे हैं फाइनल मैच के। लेट्स लुक इनटू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्लेयर को 2018 फीफा वर्ल्ड कप की गोल्डन बॉल मिली। गोल्डन बॉल किस फीफा प्लेयर को मिली, तो गोल्डन बॉल किस प्लेयर को मिलती है ये पहले जान लेते हैं। ये मिलती है बेस्ट प्लेयर को। ओके, और इस बार की जो गोल्डन बॉल मिली है, वो मिली है लुका मॉड्रिक को। याद रखिएगा, लुका मॉड्रिक। अब ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं क्रोएशिया को। याद रखिएगा, ये फ्रांस हालांकि वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन जो गोल्डन बॉल मिली है वो अपोनेंट को मिली है, और ये है लुका मॉड्रिक, जिनको गोल्डन बॉल 2018 मिली, और ये बिलोंग करते हैं क्रोशिया को। ओके, अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, तो
एक होता है गोल्डन ग्लोब। गोल्डन ग्लोब जो मिलता है वो मिलता है बेस्ट गोलकीपर को, और ये जो मिला है ऑप्शन बी दैट इज थिबाउत कॉर्टोइस को। थिबाउत कॉर्टोइस को गोल्डन ग्लोब मतलब बेस्ट गोलकीपर का जो ट्रॉफी है वो मिली, और इसको कहते हैं, ये बिलोंग करते हैं बेल्जियम को। ओके, ये बेल्जियम को बिलोंग करते हैं। जैसा हमने मैप में देखा बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल। थिबाउत कॉर्टोइस बिलोंग करते हैं बेल्जियम को, जिनको मिला गोल्डन ग्लोब। अगर बात करी जाए तीसरे ऑप्शन की, जो है हैरी केन। हैरी केन बिलोंग करते हैं इंग्लैंड को। ओके, और इनको मिला है गोल्डन बूट। गोल्डन बूट किसको मिलता है, ये उस व्यक्ति को मिलता है, उस फुटबॉल प्लेयर को मिलता है जो टॉप गोल स्कोरर होता है। ओके, हैरी केन जो है वो इंग्लैंड के हैं, इन्होंने टूर्नामेंट में टोटल 6 गोल्स किए, तो ये भी आप याद रखिएगा, 6 गोल्स किए हैं हैरी केन ने जो बिलोंग करते हैं इंग्लैंड के, इसी कारण इनको मिला है गोल्डन बूट। अगला ऑप्शन है किलियन एम्बापे, ये बिलोंग करते हैं फ्रांस को। ओके, और इनको कौन सा अवार्ड मिला है, इनको मिला है बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड मिला है फीफा वर्ल्ड कप 2018 का, तो आप ये फैक्ट्स याद रखिएगा। लेट्स लुक इनटू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी इनमें से किस कंट्री को मिली है, मतलब विच कंट्री विन द वन द फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी ऑफ 2018। तो ये जो जीती है, ये जीती है स्पेन ने। ओके, स्पेन को मिली है फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी, ये भी आप याद रखिएगा, और अगर आपको पता है तो स्पेन की कैपिटल आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ओके, ये जो मैं रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ ये जुलाई 2018 का है, यदि आप इसके बाद का वीडियो देख रहे हैं तो क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज जियानी इन्फेंटिनो, ये है करंट प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। अगर बात की जाए ऑप्शन बी की, जो कि है रॉबर्ट ग्वेरिन, तो ये फीफा के सबसे पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज प्लेलिस्ट जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप देख सकते हैं, ये है t.me/AdityaDubeMPPSC। इसके अलावा आप मुझसे ट्विटर और फेसबुक में भी कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक की लिंक है facebook.com/AdityaDubeMPPSC, और ट्विटर में आप फॉलो कर सकते हैं साइबर आदित्य से। सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू आर डूइंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक, बाय बाय।